सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसमें भगवान के भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें संतान की प्राप्ति के लिए, मनोभिलाषित कामना की पूर्ति के लिए भगवान का व्रती लोग व्रत रखते हैं और इसमें उपवास करके भगवान का रात्रि में भगवान का जन्म होने के बाद प्रसाद चनामृत लेकर भगवान का विशेष पूजा है। 30 अगस्त सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। हर बार 2 दिन पड़ जाता था, इस बार क्या 2 दिन? अष्टमी तिथि जो है 29 तारीख की रात्रि से ही प्रारंभ होकर, रात्रि से प्रारंभ होकर 30 तारीख के रात्रि 2:32 के बाद जो है नवमी तिथि हो जाने के कारण इस दिन गृहस्थ और वैष्णव सभी लोग एक ही दिन जन्माष्टमी व्रत का पूजन करें। यहाँ पे क्या कुछ होगा? यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री राधे कृष्ण का महाश्रृंगार किया जाएगा, जिसमें भगवान को वाराणसी से आए नए वस्त्रों के द्वारा और फूल मालाओं और सुसज्जित व्यवस्था के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह भगवान राधा कृष्ण का यह दरबार है, यहाँ लोगों की आस्था प्रभु से जुड़ी हुई है और 2 वर्ष कोरोना के कारण जो है भक्त श्रद्धालुओं को आने के लिए प्रतिबंध था, लेकिन इस बार लोग दर्शन कर सकेंगे भगवान की पूजा अर्चना। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का महाश्रृंगार दर्शन, चांदी के झूले में भगवान श्री राधे कृष्ण झूलेंगे, झूलन दर्शन, भव्य महाश्रृंगार दर्शन, महाझांकी दर्शन और भगवान की विशेष पूजा अर्चना, प्रसाद भोग दर्शन।